स्टूडेंट्स वॉट एवर होमवर्क इज गिवन टू यू यू हैव टू सबमिट इट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे बिटवीन एट ए एम टू वन पी एम टू द गिंग व्हाट्सअप नंबर एंड इट इज कंपलसरी टू सबमिट योर होमवर्क एज योर अटेंडेंस विल बी मार्क्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर सबमिशन नमस्कार विद्यार्थी मित्रों में नाइन्थ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर फोर जो पोयम है कर्ण का जीवन दर्शन इस काव्य को मैं आप लोगों को पढ़ूंगा और इसका भावार्थ भी बताऊंगा कर्ण का जीवन दर्शन इसके जो रचनाकार हैं या जो इसके कवि हैं या जिन्होंने इसकी रचना की है रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 1908 और इनका निधन जो है सन 1974 में हुआ था रामधारी सिंह जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि का जन्म जो है बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा आगे की पढ़ाई जो है पटना में उन्होंने प्राप्त की पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन उन्होंने कार्य किया यानी पढ़ाया उन्होंने दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया उनकी वाणी में शक्ति है ओज है ओज तेज है उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है दिनकर जी की जो कुछ रचनाएं हैं जो उर्वशी रश्मि रथी रेणुका हुंकार, रसवंती कुरुक्षेत्र जैसी उनकी काव्य कृतियां उर्वशी जो है इसके लिए उन्हें सन उन्नीस का ज्ञानपुट ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उससे उन्हें सम्मानित किया गया था संस्कृत के चार अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उन्हें किया गया है अर्ध नारीश्वर मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं उनकी कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों ही दृष्टि से विपुल है अत्यधिक है प्रस्तुत खंड काव्यांश जो हम पढ़ने जा रहे हैं रश्मि रथी से ये एक अंश लिया गया है जिसमें महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य कुंती पुत्र कर्ण जो है ज्य श्रेष्ठ सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जो है जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन उसके सामने आता है महाभारत का जब युद्ध शुरू होता है तब कृष्ण उसके सामने प्रलोभन लेकर जाते हैं तब भी वह अविचलित रहता है अविचलित यानी अपने स्थान से हटता नहीं अपने निर्णय से हटता नहीं और जिसने आज तक उसका साथ दिया है उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता मोल कीमत पर कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उसे मिलते हैं उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश जो हमारा यह है लिया गया जो है कर्ण का जीवन दर्शन काव्य जो है वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवाह नहीं वैभव धन विलास सुख परवाह नहीं चिंता नहीं बस यही चाहता हूं केवल दान की देव देव यानी पवित्र सरिता यानी नदी निर्मल यानी पवित्र कर्ण जो है वो कृष्ण को उत्तर देते हुए कह रहा है कि श्री कृष्ण मुझे जो है धन दौलत ऐश्वर्य सुख सुविधा ऐश्वर्य जो भी है सांसारिक सुख जो है को भोगने की कोई इच्छा नहीं है मुझे कोई लालच नहीं है वह अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता उसकी बस एक ही इच्छा है क्या कि करतल से झरती रहे सदा करतल का अर्थ होता है अथेली निर्धन को भरती रहे सदा ये जो मेरे दोनों हाथ हैं यह मेरे दोनों हाथों से पवित्र दान रूपी जो पवित्र नदी जो है सदा बहती रहे और जो निर्धन है जो गरीब है जिनको आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे बस यही मेरी इच्छा तुच्छ यहाँ पे आप कर्ण कह रहा है कि तुच्छ है राज्य क्या है कैसो पाता क्या नर प्राप्त कर विभव चिंता प्रभुता अत्यल्प हास कुछ कुछ क्षण विलास तुच्छ बिल्कुल शुद्र राज्य क्या है केशव केशव यह कृष्ण को कह रहा है पाता क्या नर प्रा, प्राप्त कर विभव नर यानी मनुष्य विभव यानी धन हे केशव जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है अब आगे चिंता प्रभुत्व तो, चिंता तो अधिक अत्यल्प थोड़ा हास निंदा कुछ चाक क्षण के लिए चमक और कुछ क्षण समय के लिए विलास विलास सुख सुविधा भोग तो वो कह रहा है कि वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग सुखो मिल जाता है पर ये सारी चीजें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है नीचे की पंक्ति में है कि पर वह भी यही गवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है। जो कुछ सुख सुविधाएं हैं जो भी ऐश्वर्य है वो सभी कुछ यही छोड़कर जाना है और खाली हाथ ही यहां से जाना पड़ता है कुछ साथ नहीं ले जाना खाली हाथ ही जाना पड़ता है आगे की पंक्ति है मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं कर्ण जो है कृष्ण से कहता है कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो कंचन का भार न ढोते सोने का भार नहीं ढोते सोने का प्रलोभन उन्हें कुछ नहीं अपने रास्ते से नहीं भटका सकता पाते हैं धन बिखराने को लाते हैं रतन लुटाने को वह सुख वैभव का जीवन ही है बिताते वे लोगों में जो है धन बांटते हैं लुटाते हैं जग से कभी न कुछ लेते हैं दान ही हृदय का देते हैं उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती हैं, वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते अपने हृदय का दान करते हैं लोगों में प्रेम बांटते हैं स्नेह बांटते हैं और दुखिया पर दया करते हैं जो दुखी है उन दुखियां पर वे दया करते हैं प्रसादों के कन काब शिखर होते कबूतरों के ही घर प्रसाद का अर्थ होता है राजमहल कन अर्थात सोने की आभा वाला होते कबूतरों के घर सोने जैसी चमक दमक वाले जो राजमहल जो है वो कबूतरों के ही घर बनते हैं उनमें कबूतर ही रहते हैं महलों में गरुड़ न होते हैं गरुण जो पक्षी पक्षी राज जो गरुण है वो कभी महलों में नहीं रहता कंचन पर कभी न सोते हैं। और न ही वो सोने में सोना का अर्थ होता है सुख ऐश्वर्य आराम जो भी है वह सोने के बिछोने पर ऐसो आराम में सुख सुविधाओं में गरुड़ पक्षी नहीं सोते बसता वह कहीं पहाड़ों में मेरे जैसे जो गरुड़ पक्षी हैं वो दूर से दूर कहीं वीरानों में पहाड़ों के बीच बसते हैं रहते हैं सैलों की फटी दरारों में सैल का अर्थ होता है चट्टाने बड़ी बड़ी चट्टाने चट्टानों के बीच जो दरारें होती हैं उन दरारों के बीच मेरे जैसे गरुण जो है वो अपना घर बनाते हैं। होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता नित तप मनुष्य जो है सुख समृद्धि ऐश्वर्य के अधीन जब हो जाता है तब उसका जो तप है वो तप अपना धीरे धीरे खोने लगता है सत्ता राजपद किरीट मुकुट मणिमय आसन मणियों से जड़ा हुआ आसन करते मनुष्य का तेज हरण राजपद मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्यों के तेज को हर लेते हैं उसे प्रभावहीन बना देते हैं, नर विभव हेतु ललचाता है मनुष्य जो है वो धन संपत्ति पाने के लिए लालायित होता है ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती उसके अस्तित्व को समाप्त कर देती चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, और फूलों की छाया चांदनी छाया अब यहाँ पर हम इसका अर्थ लेंगे कि अत्यंत सुविधा ऐश्वर्य तो यहाँ पर जो है अब कवि कह रहे हैं कि चांदनी और फूलों की छाया जो अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य जो है बने सुमधुर कोमल मनुष्य जो है सुंदर और कोमल भले बन जाए पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप में जिए बिना अमृत क्लेश का पिए बिना अर्थात कष्टों का अमृत पिए बिना आतप का अर्थ होता है धूप अंगड़ का अर्थ होता है आंधी जो कष्टों के अमृत को पिए बिना धूप और आंधी को सहे बिना जो मनुष्य होता है वो पुरुष नहीं कहला सकता वो वीर नहीं कहला सकता और आगे है विघ्नों को नहीं हिला सकता वह किसी भी मुसीबत का या कष्टों का सामना नहीं कर सकता उड़ते जो झंझावातों में झंझावात करता होता है जो आधी तूफानों के बीच जो उड़ते हैं पीते जो वारी प्रपातों में वारी का अर्थ होता है जल प्रपात का अर्थ होता है झरना जो प्रपात अर्थात जो झरनों का पानी पीते हैं सारा आकाश अयन जिनका सारा आकाश ही जिसका घर हो विस्तर भुजंग भोजन जिनका और जो विषर को धारण करने वाले भुजंग यानी सांप जो जहरीले सांपों का भोजन करते हो आगे है वे ही फलिबंद छुड़ाते हैं फलिबंद का अर्थ होता है गरुण ऐसे गरुण जो है बंधन को जो है मुक्त करते हैं अब फलिबंद का अर्थ होता है सांप का बंधन अभी पास भी उसे कहते हैं अलग अलग उसकी व्याख्या है तो ऐसे गरुण है जो सांप के बंधन को छुटकारा दिलाते हैं धरती का हृदय जुड़ाते हैं और ऐसे वीर पुरुषों को जन्म देकर धरती अपने आप को धन्य महसूस करती है अर्थात धरती के हृदय को वो सुतलता प्रदान करते हैं ऐसे वीर पुरुषों को जन्म देकर मैं गरुण हूँ कृष्ण मैं पक्षी राज सिर पर न चाहिए मुझे ताज हे भगवान कृष्ण मैं पक्षी राज गरुण हूँ सिर पर न चाहिए मुझे ताज मुझे किसी प्रकार का ताज या पद का मोह नहीं दुर्योधन पर है विपद घोर सत्ता न किसी विश्व से छोड़ इस समय जो मेरा मित्र है जो संकट के समय जो जिसने मेरा साथ दिया ऐसे मेरे मित्र दुर्योधन पर संकट के युद्ध के संकट रूपी बादल रहे हैं, ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे दुख की घड़ी में ऐसे विपत्ति में उसे फंसा हुआ छोड़कर मैं नहीं जा सकता रणखेत पाटना है मुझको भाई पास काटना है मुझको मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरकर दुर्योधन का जो अहिपास है जो सांप का बंधन जो है मुझे उसको काटना है उस सांप के बंधन से मुझे मुक्त करवाना है तो विद्यार्थी मित्रों ये आप लोगों का काव्य का जो है भावार्थ था आशा है आप लोगों को समझ में आया आ गया होगा और इसकी जो एक्सरसाइज है वो सभी विद्यार्थी जो अपने अपनी नोटबुक में लिख लेंगे ठीक है